नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सूरज टीवी और मैं हूं तान्या और लेके आई हूं फिल्मी ऑपरेशंस। और फिल्मी ऑपरेशंस में आज बात करेंगे रिलीज हुए ओटीटी पर मिर्जापुर 3 की। जी हां, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, फाइनली आज थर्ड सीजन रिलीज हो चुका है। और इसके बारे में क्या है खासियत, क्या क्या कमियां है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मिर्जापुर सीजन 3 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आ चुका है, जिसे लेकर प्रशंसकों की ओर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पंकज त्रिपाठी और अली फजल अभिनीत ये सीरीज उत्तर प्रदेश में सत्ता और बदले की कहानी पर आधारित है, जहां दर्शकों ने अली फजल के गुड्डू पंडित के किरदार की तारीफ की, वहीं प्रशंसकों के पसंदीदा किरदार मुन्ना भैया की अनुपस्थिति ने कुछ लोगों को निराश किया। ये नया सीजन उत्तर प्रदेश के अराजक शहर में सत्ता संघर्ष और बदला लेने की प्यास पर आधारित है। जैसे कि उम्मीद थी, सीरीज ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं बटोरी हैं। गुड्डू अभी भी मिर्जापुर का निर्विवाद राजा नहीं है, यही वजह है कि ये बेपरवाह और अधीर प्रतियोगी अक्सर उकसावे को अपने ऊपर हावी होने देता है। गलत सलाह और अत्यधिक अहंकारी रुख उसे और गोलू को ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। गुड्डू और उसकी बंदूक फैक्ट्री पर एक दृढ़ निश्चयी यानी कि शरद शुक्ला अंजुम शर्मा का खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र को हिंसक गैंगस्टरों से मुक्त करने के मिशन के बावजूद एक संघर्ष जारी है। पहले दो सीजन की तुलना में इससे काफी कम तनय शक्ति है। हालांकि ये तथ्य कि ये सामान्य से कहीं ज्यादा धीमी गति से चलता है, जरूरी नहीं कि ये एक कमी हो। वास्तव में ये कहीं चौंकाने वाले और दिलचस्प कथानक के लिए जगह खोलता है। कालीन भैया जो ज्यादातर समय युद्ध से दूर रहते हैं, कोमा से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन जब वे वापस काम पर लौटते हैं तब भी दबंग स्वभाव से अस्थिर व्यक्ति सिर्फ अपनी ही छाया मात्र रह जाता है, जो गद्दी और परंपरा पर जोर देता है। बात करें अली फजल के किरदार की, तो अली फजल के गुड्डू पंडित के किरदार को काफी सराहना मिली है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि मिर्जापुर 3 खत्म हो गया, ये पूरी तरह से गुड्डू पंडित का शो था। पागलपन की ओर तेजी से बढ़ते कदम अली फजल ने शानदार तरीके से पेश किया है। गुरमीत सिंह के पास इस बार बहुत कुछ है और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस भोजन को कैसे खत्म करें। जबकि मिर्जापुर 3 विभिन्न उप कथानक और नए पात्रों के बीच अच्छी तरह से आगे बढ़ता है, ये सब एक समय के बाद उलझ जाता है, जिससे कहानी की सांस फूलने लगती है। जब कहानी किसी तरह के ऑटो गियर में बदल जाती है तो दर्शकों को उसी क्षण सम्मोहित करने के लिए नायक की तरह आता है। तो इसी के साथ दैनिक सूरज टाइम्स न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क दे रहा है इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें दैनिक सवेरा टीवी के साथ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।